नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं नवरात्रि की खबर से। नवरात्रि के नौवें दिन आज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। सभी मंदिर माता की जयकारों से गूंज रहे हैं। शारदीय नवरात्र का नौवां दिन आज है। मां सिद्धिदात्री की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन नौ दिन का उपवास जो लोग रखते हैं, कन्या पूजन भी करते हैं और उसके बाद अपना उपवास खोलते हैं। तो आज शारदीय नवरात्र का नौवां दिन है। मां के सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। हर दिन का अलग रंग विशेष महत्व होता है। आज कहा जाता है कि आज बैंगनी रंग से मां का श्रृंगार किया जाता है, जामनी रंग से मां का श्रृंगार किया जाता है वस्त्रों से, आभूषणों से। ऐसे में मां के मंदिरों में, मां के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां के दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामनाएं लेकर मां के दर पर लोग पहुंच रहे हैं और हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भोपाल, हम आपसे आकाश हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आज नौवां दिन है, माँ की सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना हो रही है, कितनी रौनक मंदिर में भक्तों की दिख रही है? देखिए ज्योति, सुबह से ही भक्तों की पहुंचने का सिलसिला मंदिर में जारी है। इस वक्त हम भोपाल के प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में मौजूद हैं और आप जिधर नजर दौड़ाएंगे उधर आपको भक्तों की भीड़ दिखाई देगी। मेरे सहयोगी राजू एक बार वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और माँ काली का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है क्योंकि अष्टमी और महानवमी दोनों एक साथ है। ऐसे में देवी की विशेष पूजा अर्चना का प्रावधान है। न सिर्फ विशेष श्रृंगार, विशेष भोग और हवन बल्कि कन्या पूजन भी लोग करेंगे और इस लिहाज से आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आप ये जो तस्वीर देख रही हैं, माँ काली की भव्य मूर्ति भोपाल की काली घाट पर स्थित है, कालिका मंदिर यहाँ की तस्वीर है। और पूरे नौ दिन यहाँ पर भक्तों का जो ताता है वो हमें दिखाई देता है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर पहुँचते हैं और अभी भी आज भी वही स्थिति है। जो भक्त हैं उनके सुबह से ही पहुँचने का सिलसिला जारी है और वो माता के दर्शन भी कर रहे हैं, उनका पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, हर तरह के जो लोग हैं आपको और यहाँ पर भी आज माँ को विशेष पूजन और भोग किया जाएगा और माँ के जयकारों से ये जो मंदिर है वो गुंजायमान हो रहा है। मैं तो जो लोग हैं यहाँ पर उनसे ही बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे पूजा की विधि विधान और आज के दिन के महत्व को समझने की ज़रूर कोशिश करूँगा, उनसे भी बातचीत करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें एनडीटीवी के दर्शकों को दिखाते हैं और इसके बाद बातचीत भी करेंगे क्योंकि आज की ये तस्वीरें भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि माँ का बहुत अलग तरीके से, भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है और हवन भी होना है। आप पूजन अर्चन विशेष तरीके से किया जा रहा है। मैं कुछ लोग हैं जो उनसे बातचीत करता हूँ। मैम, कैसे इसे आप लोग नवरात्रि के पर्व को मना रहे हैं, आज खास दिन है, कैसे पूजा अर्चना कर रही हैं? बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोग कैसे पूजा अर्चना कर रही हैं आज, किस तरीके से नवरात्रि को आप लोग मना रहे हैं? नौ दिन का व्रत रहा आप लोगों ने, अब आखिरी दिन आ रहा है तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, आज क्या विशेष पूजा अर्चना कर रही हैं? आज विशेष पूजा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो आप लोग भी सुबह से दर्शन करने पहुंचे हैं, व्रत है नौ दिन का और आज विशेष पूजा अर्चना करने वाली है। आज विशेष पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं देवी का, कि जो तमाम भक्त हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और बड़ी तादाद में भक्तों की संख्या है वो देखने को मिल रही है और सुबह से ये सिलसिला जो है वो जारी है और लगातार नौ दिन तक लगभग यही स्थिति भोपाल के अलग अलग मंदिरों में देखने को मिली है। न सिर्फ मंदिरों में क्योंकि दुर्गा उत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, यहाँ पर जो बड़े पंडाल हैं वो भी सजाए गए हैं और वहाँ पर भी दर्शकों की जो भीड़ है वो हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल आकाश, हम देख रहे हैं लंबी कतारें भक्तों की लगी है और आगे जाने की जल्दी क्योंकि घंटों से कतारों में लगे हैं माँ के दर्शन के लिए। अतुल कौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवपुरी से। अतुल, आप इस वक्त कौन सी जगह पर, कौन से मंदिर में हैं और वहाँ पर नवरात्र के नौवें दिन क्या धूम, क्या रौनक नजर आ रही है आपको आसपास?
बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर हम नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि का जो पर्व है वो 9 स्वरूपों में देवी की पूजा के साथ होता है, और शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी और कालरात्रि के साथ महागौरी, और आज जो अंतिम रूप है माता का वो है माँ सिद्धिदात्री। और सिद्धिदात्री के मंदिर में हम यहाँ मौजूद हैं, ये प्रसिद्ध सिद्धेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। सिद्धेश्वरी मंदिर, ये माता की मूर्ति आप सामने देख रही हैं, जहाँ भक्तों को दर्शन देती हुई ये साक्षात नजर आती हैं, और अद्भुत प्रतिमा है अपने आप में ज्योति, और इनकी जो महिमा है वो आज के दिन की बड़ी महत्व रखती है। यही कारण है कि हम यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर जो है एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि आज जो है वो नौमी और अष्टमी का मिश्रण है, और शिवपुरी का जो इलाका है उसमें अष्टमी की ज़्यादा पूजा की जाती है, और अष्टमी की पूजा कल मान ली गई। तो हम ये पंडित जी से इधर आने की गुंजाइश कहेंगे और आपसे कहेंगे कि इनका महत्व आज, सिद्धरात्रि का महत्व क्या है? ये सिद्धिदात्री आज नौमी और अष्टमी दोनों मिल गई हैं, उसके उपलक्ष्य में ही मतलब जो माता सिद्धेश्वरी के नाम से केला देवी विराजमान हुई हैं, और ये आज से 50-60 साल पहले मौनी महाराज 1008 जो थे उनके द्वारा स्थापित की गई जो मूर्ति है, और ऐसी मूर्ति पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको जो शिवपुरी शहर के अंदर एक ही मंदिर। क्या विशेषता है इसकी, ऐसी मूर्ति नहीं मिलती? इस मूर्ति से जो भी आप मनोकामना करोगे वो आपको फल मिलता है, और बहुत जल्दी ही फल मिल जाता है इस मूर्ति से। तो ज्योति आप देख पा रही हैं, और दूसरी दृश्य जो हम आपको दिखाएंगे यही देखिए कि इस तरह की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर चल रही है, और जो देवी भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज व्रत का आखिरी दिन है, इसलिए ये जो हलवा पूड़ी आप स्क्रीन पर देख रही हैं ये भोग लगाया जा रहा है, और इस तरह की माता पूजा यहाँ पर की जा रही है। हम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आप बता दीजिए कि ये जो व्रत है आज आपने व्रत पूरा कर दिया। हाँ, क्या क्या किया है? हलवा पूड़ी का भोग लाया है, गर्भ से लपना के लाए हैं, माता की पूजा कर रहे हैं, नौमी कन्या भोग करेंगे घर पे। घर पर कन्या? हाँ। हलवा अठवाई ले आए हैं भोग के लिए, घर पे कन्या भोजन करेंगे। हाँ, और आज हमारा पूरा नौ दिन का, और आज व्रत पूर्ण हो गया, और आज मैया का है ना भोग लगाएंगे और मैया की विदा करेंगे। हाँ, और क्या? तो ये जो क्रम है ज्योति, आज दिन भर न केवल मंदिरों में चलता रहेगा, बल्कि हम ये कहें कि कन्या पूजन के साथ में कल जो है माता का विसर्जन किया जाएगा, और इसी की तैयारियों में भक्तजन लगे हुए हैं। ज्योति जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं इसी की तैयारी में भक्तजन लगे हैं, और अष्टमी और नवमी इस बार एक ही दिन मनाई जा रही है, ऐसे में आज कन्या पूजन भी जगह जगह हो रहा है। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माँ को खूबसूरत तरीके से माँ का श्रृंगार किया गया है, क्योंकि पूरे नवरात्र हर दिन के हिसाब से माँ का श्रृंगार होता है, उनको सजाया संवारा जाता है, रंगों का महत्व अलग अलग दिन का अलग अलग होता है। तस्वीरें हमारे सहयोगी आकाश और अतुल हमें दिखा रहे थे शिवपुरी से और भोपाल से। अतुल, आकाश, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो मंदिरों में माँ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है, लोगों की रौनक है, माँ के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। आज अष्टमी और नवमी की पूजा है, जिन लोगों ने पूरे उपवास रखे हैं 9 दिन के, वो आज के दिन कन्या पूजन करके अपना उपवास खोलते हैं। मंदिरों को पूरे नवरात्र बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया, आज 9वें दिन भक्तों की भारी भीड़ मंदिर परिसरों में उमड़ रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और माँ के दरबार में अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर लोग पहुँच रहे हैं। ज़बरदस्त श्रद्धा का माहौल चारों तरफ नज़र आ रहा है। सुबह की आरती में शामिल होने के लिए लोग पहुँचे, उसके बाद अब मंदिर में माँ के दर्शन लोग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, भारी भीड़ भक्तों की है, घंटों लाइनों में इंतज़ार कर रहे हैं भक्त आगे जाने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए। आज 9वें दिन माँ की सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है। और अब आपको दिखाते हैं नरसिंहपुर में माता रानी के पंडाल को 51 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया, जो लोगों के बीच खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। पंडाल की सजावट में खास बात यह कि बाहर से बुलाए गए हैं कुशल कलाकार, जिन्होंने 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की माला बनाकर पंडाल को सजाया, जिसके बीच माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई। सभी की सजावट को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है।
मैंने जैन शताब्दी पकड़ी भोपाल से और सीधा मैं यहाँ आ गया दर्शन के लिए। और इतना तुमने देखा इंस्टाग्राम में क्या कितना इंस्टाग्राम में इतना वायरल हो गया है, ये 30 से 40 लाख व्यू हो गए हैं इसके, और मंडल का भी इनका पेज है, मैंने वो फॉलो किया है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, बहुत वायरल हो रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और यहाँ की भीड़ और जनता का और मंडल का इतना सपोर्ट है, सबकी बहुत हेल्प कर रहा है, मतलब कोई व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने मोबाइल पे देखा और आप साक्षात देख रहे हैं, क्या अंतर है? साक्षात का दर्शन अलग होता है सर, यदि मैं सामने देखूंगा तो वो जो नोट है या जो भी डिजाइन है वो चक्री बनी हुई है या झालर बनी हुई है वो वीडियो में समझ में नहीं आता, इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साक्षात आके देखें। मैं सिंगापुर से स्पेशली देवी जी की अद्भुत प्रतिमा को देखने आई, दरअसल मैंने सोशल मीडिया पे इनकी डेकोरेशन के बारे में देखा हुआ था, तब से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि नोटों की मदद से इतनी अच्छी डेकोरेशन कैसे हो सकती है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के नोटों से कितनी अच्छी डेकोरेशन करी है, फूल बनाए गए हैं, झालर बनाई गई है, ये बहुत ही अचंभित है और बहुत ही अद्भुत है कि लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी ये डेकोरेशन को करने के लिए। और वाकई में आपकी आंखों आपकी अपने आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे क्या कुदरत का करिश्मा देख रहे हो। बस यही था, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और जितनी मैं एक्साइटेड थी मैं यहाँ पे आके और डबल एक्साइटेड हो गई है जानने के लिए कि आखिर इनको बनाया कैसे होगा और लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी इनको बनाने के लिए। दुविधाएं तो बहुत आई पर सारे मंडल वालों ने सहयोग करके फिर इस चीज को बनवाया। कैसे कलेक्शन किया, ये पैसा लगा? ये सारा पैसा जो है मंडल का कोई सारे सदस्यों का है, इसमें जहाँ तक हो सके तो लेडसों का भी पैसा है मंडल की। इसमें 100 का पुराना नोट है और बाकी 20, 50, 100, 200, 500। जबलपुर के खमरिया गांव में 65 फुट ऊंची महाकाली की विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया। मूर्ति निर्माण के लिए उपयोग में लाई गई सामग्रियों में सांप के बिल से निकाली गई मिट्टी, सूतली, घास फूस, बांस, बल्ली शामिल है। ये सामग्री गाँव वालों ने खुद इकट्ठा की। महाकाली की इस भव्य मूर्ति का विसर्जन भी खास प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। आज के आधुनिक समय में ग्रामीण अपने रीति रिवाजों को जीवित रखते हुए एकता और सामूहिक प्रयास के माध्यम से इस तरह के कार्य कर रहे हैं। देखिए हमारे से जबलपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर ये गांव खमरिया है। इस खमरिया गाँव की खासियत यह है कि यहाँ पर दुर्गोत्सव के समय चैत नवरात्र में रविंद्र जी जो है जिन्हें रवि महाराज कहा जाता है, ये और इनके शिष्य मिलकर दुर्गा मूर्ति का निर्माण करते हैं। इस बार इन्होंने पिछले 3 वर्षों से ये महाकाली की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं ये 65 फिट ऊंची महाकाली का निर्माण पंडित जी और इनके 10 भक्तों ने मिलकर किया है। ये बनाई भी इन्हीं ने है और ये विसर्जन के लिए उतार के इसे पास के इस नदी के कुंड में लेके जाएंगे। और ये पंडित जी ने जो रवि महाराज ने बनाई है ये मूर्ति, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें पास के गांव की मिट्टी और सुतली और घास फूस ये लगाई गई है जो प्रकृति को किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगी। पंडित जी ये बताइए कि इतनी बड़ी मूर्ति क्यों बनाई है आपने? ये यहाँ पे एक बहुत वो है जी, तो माता रानी की कृपा से, क्योंकि हमने यहाँ के स्थान का महत्व देखा, क्योंकि हम जो भी करते हैं या जो भी लोग आते हैं तो यहाँ एक विशेषता है इस खीर माता की, पीछे मढ़िया है, मेन स्थान वो कहलाया, तो इनका प्रभाव, क्योंकि हमने एक कोरोना काल में भी देखा हमारे यहाँ फसलों में कीटनाशक भी अगर है तो यहाँ माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाता है। इसमें हमारा सिर्फ बामी की मिट्टी, वाल्मीकि विभोर जो कहलाती है, वो लगाते हैं और वो यहीं की यहीं सुलभ है। और इसमें सुतली पीओपी का कहीं कोई नाम नहीं, कोई पुट्टी का काम नहीं और एक भी कोई ऐसी जो चीज़ जो कोई भी व्यक्ति अगर पहन लिया हो या कुछ भी है तो उसकी चिंदी भी नहीं लगी। तो ये रवि महाराज ने ये इसमें जो मिट्टी का उपयोग किया है ये सांप की जो बिल होते हैं जिसे बामी कहते हैं उससे निकली ही मिट्टी का उपयोग किया है और लगभग 1.5 लाख रुपए जो खर्च किए गए इसके लिए कोई चंदा नहीं किया, इनके कुछ मित्रों ने मिलके ही इस इको फ्रेंडली महाकाली का निर्माण किया है जो 65 फिट ऊंची है और अब शहर में एक ये आकर्षण का केंद्र बन गई है। खमरिया ग्राम से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।